तो जो कि आपको पता है यूएसए हेट्स यूपीआई, पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, दोस्तों कार्ड पेमेंट इको सिस्टम में यूएसए के दो फाइनेंशियल जायंट्स वीजा और मास्टर कार्ड काफी लंबे समय से रूल कर रहे हैं। कोई सूटेबल कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से ये दोनों कंज्यूमर से हाई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं, लेकिन यूपीआई और रुपए के डेबिट कार्ड ने इस ट्रांजैक्शन फी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। पॉइंट नंबर टू, दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास यूपीआई जैसा कुछ है नहीं, यूएसए के पास भी अपने फेडनाओ, जेले और वेनमो जैसे कुछ सिमिलर मैकेनिजम्स हैं, पर इसमें से किसी के पास भी यूपीआई जैसे फीचर्स नहीं है। इसमें से कुछ बैंक टू बैंक ट्रांसफर अलाउ करते हैं तो किसी में डेबिट की फैसिलिटी है, बट क्रेडिट करने के लिए काफी लंबा प्रोसीजर है। इन शॉर्ट, यूपीआई की एक्सेसिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी इनमें मिसिंग है। पॉइंट नंबर तीन, दोस्तों ये पॉइंट डायरेक्टली यूएसए को इफेक्ट नहीं करता, पर कहीं ना कहीं यूपीआई ने यूएसए की ग्लोबल फाइनेंशियल हेजमनी को ठेस पहुंचाई है। जब से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई है, यूएसए फाइनेंशियल इनोवेशन की फील्ड में अपनी हेजमनी चलाता आया है, चाहे वो कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम हो या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में स्विफ्ट।